हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये जो व्लॉग बना रही हूँ मैं, ये बना रही हूँ स्टूडेंट वीज़ा रशिया के लिए। तो जो भी आ रहा है रशिया में स्टूडेंट वीज़ा पे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जानकारी है। तो आप प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। थैंक यू। तो जी हम आ गए बेलारूस। बेलारूस का है ना, ऊपर भी तो है मेट्रो। बहुत गर्मी हो रही है गाइस, जून चल रहा है तो यहाँ पे भी गर्मी हो गई है। वैसे सुबह शाम ठंडा ही रहता है पर दोपहर में गर्मी है। तो यहाँ पे हम बेलारूसकाए आए हैं मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए हमारे फ्रेंड की। तो उसके बाद हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे उसका पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। एक्चुअली ना आज मेरे फ़ोन में ना बैलेंस भी ख़त्म हो गया है, ना इंटरनेट है ना कॉल कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ का जो सिम कार्ड है एमटीएस का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका रिचार्ज करवाऊँगी। तो अभी मुझे सिम कार्ड का मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि यहाँ पर रशिया में इंडियन सिम कार्ड चलता है या नहीं चलता। तो वैसे तो नहीं चलता है, और अगर आपको चलाना भी है तो आपको वो रोमिंग पैक कुछ डलवाना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ही सिम कार्ड खरीदो और उसको यूज़ करो, उसमें आपको फ्री मिनट्स और मिनिमम 30 GB आपको डाटा मिल जाता है जो आपका महीने भर पूरा चल जाता है, और लोकल फ्री कॉल्स मिनट्स मिलते हैं और आप कॉल किधर भी कर सकते हो। तो ऐसा है तो वो आपको ठीक पड़ेगा, 500 से 1000 के बीच में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, कोई भी ले सकता हो। एमटीएस लेना, एमटीएस बेस्ट है, उसका नेटवर्क भी हर जगह आता है और जीबी भी अच्छी खासी मिल जाती है। 500 का एक बारी में आपको 670 का कुछ पड़ेगा रूपल का सिम कार्ड खरीदने पे, और बाद में जब ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज 500 का ऐसे करवाना पड़ेगा। तो वो आप देख लेना जो आपको ठीक लगे, बट एमटीएस लोगे तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से क्योंकि वो ज़्यादा चलता है। मेरी फ्रेंड वगैरह के पास है, जैसे मेगा पावर ऐसे कुछ करके है सिम कार्ड, बट वो उसका इतना अच्छा है नहीं नेटवर्क, तो एमटीएस बेस्ट है, वो लेना। और रिचार्ज का भी बता दें, और सिम कार्ड आपको रशिया में ही, रशियन सिम कार्ड रशिया का सिम कार्ड लोगे तो वो बेस्ट होगा। आप जब एयरपोर्ट से उतरोगे वहाँ पर भी मिल जाता है, पर वो 1000 रुपये का आपको ऐसे देंगे रूबल का। तो आई थिंक आपको वहाँ से ना लेकर, अगर आप यहाँ पे जानते हो किसी को तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर वहीं से फिर सिम कार्ड लेके बाकी आप कॉल वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी, तो अभी मैं जा रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइज ये यहाँ का चर्च है, यहाँ पे मोस्टली आपको चर्च ना ऐसे ही मिलेंगे। ये देखो ये चर्च है यहाँ का, ये आपको चर्च ऐसे ही मिलेंगे मोस्टली यहाँ पे। तो हम आ गए हैं,
और MTS वाला मिल जाए ना, फिर सखी को फोन भी करना है मैंने, जल्दी से चार्ज करना है। पढ़ भी रही हूँ साथ में, देखो हम, ये रहा ऑफिस जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी। ये हॉस्पिटल है, मुझे लगा ऑफिस है। ये रहा हॉस्पिटल और ये बंदा है, इसका लेने के लिए आए हैं मेडिकल रिपोर्ट। ये यहाँ के हॉस्पिटल ऐसे होता है, अभी नहीं पता प्राइवेट है कि, वैसे ये प्राइवेट है कि सरकारी नहीं पता। हाँ जी, तो हमने फ्रेंड का मेडिकल रिपोर्ट ले लिया है, तो अब हम जा रहे हैं उसका पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। वो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है जी, तो मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में, मेरे साथी बोल रहा है कि पढ़ लो वरना फेल हो जाएंगे हम, तो पढ़ भी रही हूँ और ब्लॉग भी बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको आगे। तो वैसे वो फ्रेंड से मिलवा ही देती हूँ, ये कैमरा में तो घुस जाऊ दिखा है नहीं। तो इसका नाम है शंभू, ये है नेपाल से। हेलो एवरीबॉडी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, किस वीजे पर हो? वीजा पे स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कोर्स कर रहा है वो रशियन लैंग्वेज का, अब इसका एक साल का वीजा है, तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया। तो इसको कॉलेज में पासपोर्ट का क्या क्या किस लिए कर रहे हो बट तुम ये? क्योंकि मेरे जो मतलब सब्सक्राइबर है वो स्टूडेंट भी है ना, मतलब वीजे वाले, स्टूडेंट वीजा रशिया वाले, तो उन लोग को क्या पता कुछ जानकारी मिल जाए तो बताओ कुछ। हमको अब नेपाल से और इंडिया से हमको सिर्फ 3 महीने का वीजा मिलता है। हाँ, मेरा इधर 3 महीना हो चुका है, तो हमको इधर 1 साल का वीजा एक्सटेंड करना चाहिए होगा। हाँ, और मेरा अभी इधर पर तुम्हारा तो एक्सटेंड हो गया ना वीजा? हाँ, वीजा एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने के बाद में ये जो फॉर्मेलिटीज है लाइक अपना मेडिकल का, मेडिकल और पासपोर्ट किस लिए दिया है? पासपोर्ट भी वीजा एक्शन के लिए, एक्सटेंड। हाँ, वो तो वो भी पासपोर्ट जाता है, तो अब उसका वो लग गया है, एक्सटेंड हो गया, तो वो वही पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और फिंगरप्रिंट चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या मेडिकल होता है, मतलब कि क्या? ब्लड टेस्ट, हाँ, वो लाइक कोई फेफड़े खराब तो नहीं है? फेफड़े वगैरह खराब करने तो वो चीज़ है, तो बस यही है। तो हम वो जा रहे हैं, उसके बाद हम अब जाएंगे अपना टेस्ट देने के लिए, उसमें पास हो गए तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दही बल्ले और क्या। तो आपको मिलती हूँ, आगे दिखाती हूँ। ये मेट्रो आ गया है, प्लीज ओपन। अरे ओपन तो कर दी, भारी गेट है ये देखो जी मेट्रो। ये आ गया स्टेशन सोकोल, भी यहाँ से जा रहे हैं पासपोर्ट लेने के लिए। ये देखो जी, ये सामने सैमसंग का ऑफिस है, उन्होंने ये स्क्रीन लगा रखी है बड़ी सी सैमसंग की।
ये ऑफिस है सैमसंग का ना, सैमसंग का ऑफिस है ये। तो गाइज ये है यूनिवर्सिटी, ये देख लो आप। तो यहाँ पर आए हैं हम पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद पासपोर्ट जो यहीं पर आता है, तो यहाँ से हम पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे अपना और फिर जाएंगे टेस्ट देने के लिए, मतलब एग्ज़ाम है हमारा। हाँ सॉरी, ये वाली है यूनिवर्सिटी। इधर जाते हैं, आपको दिखाते हैं इधर कैसी है। स्टूडेंट सपोर्टिव ना, गिरा दो सब कुछ मेरा। तो यहाँ पे अपना पहले पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यूनिवर्सिटी में एंट्री करने देंगे, नहीं है तो नहीं करने देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। नहीं, क्योंकि अभी हाँ मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है ना। आईडी कार्ड नहीं है हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी का, इसलिए हमें पासपोर्ट ही हमारा काम करेगा एज अ आईडी। वैसे तो बहुत बड़ा ही आईडी प्रूफ होता है, बट यूनिवर्सिटी का जो होता है जो यूनिवर्सिटी वाला वो नहीं है। ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी ऑफिस। गेट बंद कर देना। हाँ ये रहा गेट। तो ये ऑफिस है, यहाँ पे ये हमें दिया है, ये हूँ मैं, यहाँ पे दिया है फॉर्म फिल करने को दिया है। इसके बाद हमें मिलेगा, क्या नाम है इसका, सिनर्जी। सिनर्जी ये है सिनर्जी यूनिवर्सिटी इनकी। हाँ सिनर्जी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सपोर्टिव है ये, मतलब यहाँ पर है ना ऑफिस, नहीं इसी के अंदर है ना यूनिवर्सिटी में, पढ़ने कहीं और जाते बाकी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कलेक्शन होती है वो सारा कुछ इधर होता है। हमारा बैचलर इधर ही होगा, अभी हम लैंग्वेज कोर्स कर ले ना इसलिए। क्योंकि लैंग्वेज कोर्स 3 महीने का होता है। तो ये है इसका, साइन इन तो करना था ना। डाइट डेट लिख दो, डेट आज कितने तारीख है, 9 06 2022। ठीक है, अब इसके बाद इसको दे देंगे और फिर हमारा पासपोर्ट दे देंगे वो। तो भाई ये देख लो, ये इनका सिनर्जी यूनिवर्सिटी की अपना ये क्या बोलते हैं लॉ बुकलेट है, इसमें सारा कुछ दे रखा है, मतलब कि कौन सा कोर्स है, कितने टाइम का है, कितने ये लेवल है, क्या क्या सब्जेक्ट है और एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, और ये अपना ये सब कुछ है इसमें, इम्यूनिटीज़ फॉर स्टूडेंट सब कुछ इसमें बता रखी है, और कोर्स बता रखे, ट्यूशन फीस से लेकर मतलब सब कुछ इसमें है। अरे रे रे बाप रे, सॉरी, लैंग्वेज बता रखी है इसमें कौन कौन सा है, कोर्स के नाम है और डिग्री है, बैचलर है 4 साल 5 साल 2 साल, और कितना ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर है, ये सब
अब इसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ओके, तो ये रहा कुछ, ये रहा रेड स्क्वायर, ये सब है, इसमें इतना ही है। हाँ जी, तो आज जो हमारा जो काम था ना, पासपोर्ट वगैरह वाला, वो सारा कुछ हो गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम देना था वो आज हम नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा 2 बजे का टाइम था और हम बहुत लेट हो गए थे, जाने में भी टाइम लग जाता। तो वहाँ पे सर ने बोला कि कल आओ, तो अब हम कल जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, आज नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। एंड बस, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।